वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग डिमांड पर लेकर के आ चुके हैं एक और जबरदस्त टाटा नैनो कार, जिसका काफी ज्यादा डिमांड था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं आपको मिल जाएगी 2012 मॉडल, काफी अपर मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट में वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल लेने के बाद अभी सुन चाहे तो आफ्टर मार्केट सीएनजी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में, इस गाड़ी का इंजन कैसा मिलता है, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको 624 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो काफी छोटे इंजन है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन है। दो सिलेंडर के साथ इसकी इंजन आती है। अगर हम पावर की बात करें तो 37.48 बीएचपी का ये जो गाड़ी है इसका पावर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम टॉर्क की बात करें तो 51 Nm का इसमें आपको टॉर्क भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक ठाक ही है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसके सीटिंग कैपेसिटी के बारे में, तो कंपनी इसमें 4 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी देती है, जो कि गाड़ी के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक ही है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो 24 लीटर का इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगा। और बॉडी टाइप में जो गाड़ी है वो हैचबैक में आती है। वहीं अगर मैं आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो 180 mm का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, पावर विंडोज आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे, एयर कंडीशनर पूरा का पूरा गाड़ी है दोस्तों विद हीटर के साथ, इसका जो एसी होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ एयरबैग्स के बारे में, तो एयरबैग्स नहीं इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ एबीएस का भी कोई फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बात करें किलोमीटर की, जो गाड़ी है कितने किलोमीटर अभी तक में चल चुकी है, तो दोस्तों ये जो गाड़ी अभी तक में सिर्फ और सिर्फ चली हुई है 45,000 किलोमीटर। यहाँ ओवरऑल अगर देखें तो काफी ज्यादा कम चली हुई है। गियर इसमें आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी, बात करें लोकेशन की, तो गाड़ी है फिलहाल पटना में, एनओसी अवेलेबल है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रांसफर ये सब में। प्राइसिंग की अगर हम बात करें कितने रुपए में आपको ये गाड़ी मिल सकती है, तो दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ देने पड़ेंगे 25,000 रुपए। जी हाँ, 25,000 रुपए लेकर के आए और गाड़ी को आप अपने घर ले जाए। और अगर दोस्तों ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप चाहते हैं तो ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, सो डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर आपको बात करना है, सीधा आपको ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी पूछना हो पूछे एंड जाकर के गाड़ी को देखें, गाड़ी पसंद है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नहीं वीडियो।